हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर लेकर चलूँगा जहाँ पे बहुत से लोगों ने अपना चर्म रोग ठीक किया और वहाँ पे नागनी माता जी का भी स्थान है। तो आइए चलते हैं गणेश घाटी मंदिर। तो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं कांगड़ा सिटी से पहले एक सुरंग के पास, जिसके बाएं हाथ पे एक मंदिर पड़ता है जिसको प्राचीन गणेश घाटी मंदिर बोलते हैं। तो आइए आज हम इस मंदिर में चलेंगे। फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं गणेश मंदिर। तो आइए गणेश जी के दर्शन करते हैं। मंदिर में मैं पहले भी आ चुका हूँ और यहाँ रजनीश वालिया जी होते हैं जो इस मंदिर की देखरेख करते हैं और सुबह शाम यहाँ पे आते जाते रहते हैं। तो आइए इनसे मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ जानते हैं। तो रजनीश जी, हमें कुछ इस मंदिर के बारे में बताइए। नमस्कार जी। नमस्कार। ये जो मंदिर है, ये गणेश जी का प्राचीन मंदिर था पहले यहाँ पे। ओके। जो आपने शायद देखा हो आगे नीचे जो छोटा सा मंदिर बना हुआ है। अच्छा, जो आगे, हाँ, जो बिल्कुल लोकेशन में बड़े पेड़ के साथ जो मंदिर है। ओके। वो गणपति जी का मंदिर है। शुरू में यही हुआ करता था और फिर हमारे गाँव के जो यूथ है उनके सहयोग से धीरे धीरे हमें इसको डेवलप किया। पूरी पहाड़ियाँ थी ये, तो
उन बच्चों के सहयोग से ही फिर और दानी सृजनों के सहयोग से माँ दुर्गा की स्थापना कर दी, जो साथ में आप देख रहे हैं कि हमने दुर्गा की स्थापना की हुई है, उसके साथ ही हमने काली माता की भी स्थापना की हुई है। बड़े ये माँ दुर्गा और माँ काली का जो आपने मंदिर बनाया हुआ और इनकी जो मूर्तियाँ रखी हैं बहुत ही प्यारी और मन को मोहने वाली। ये जो है ये भी है, इसमें भी ऐसा कि ये भी किसी के द्वारा दान की गई है। ओके, ये जो वर्मा फैमिली है तो उन्होंने दान की थी, उन्होंने अपनी जो नीचे नेम प्लेट लगी हुई है, अच्छा, तो राजकुमारी के नाम से कोई उनके घर में कोई प्रॉब्लम हुई थी, उनकी यादाश्त में जो माता की मूर्ति जो उन्होंने दान दी थी। अच्छा। ये ऐसी कृपा है, मां दुर्गा की भी ऐसी कृपा है, यहाँ पे जो सच्चे मन से अरदास वगैरह करता है तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छा। को संतानें भी मिली है यहाँ पे इस स्थान से, बहुत अच्छी बात है। और लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है, जैसे नीचे नागिनी माता में जब अभी कोई भी किसी प्रकार का जानवर रोग होता है तो उसके लिए यहाँ पे माता के आगे अरदास करते हैं कि माता रानी हमें जो मेरा चर्म ठीक हो जाएगा, उसके बाद जो है नमक की थैली चढ़ाने के बाद ही चढ़ानी पड़ती है, जैसे वो इंसान ठीक हो जाए या उसकी बीमारी हट जाती है। अच्छा। तो नमक की थैली चढ़ाते हैं तो काफी संगत आती है यहाँ पे, धीरे धीरे संगत आने शुरू हुई। तो लोग यहाँ पे काफी दूर दूर से भी आते होंगे। हाँ, काफी दूर से आते हैं। जब हमने पहला भंडारा शुरू किया था तो उस टाइम हमारे लगभग दो क्विंटल के करीब चावल लगे थे, और जब 12 और 13 भंडारे माता रानी की कृपा से 12वां 13वां भंडारा था, उस टाइम हमारी जो चावल की 5-6 बोरी चावल की लगने शुरू हो गई थी, तो संगत आती थी, माँ बुलाती थी, गणपति महाराज बुलाते थे, संगत आती थी और अभी भी आ रहे हैं लोगों के जिनकी मनोकामना पूर्ण होती आते हैं। माँ भगवती की कृपा से, गणपति महाराज की कृपा से हम यहाँ 13 जगह जागरण भी करवा चुके हैं रात को, यूथ के सहयोग से ही सारा काम हुआ है। नहीं, वो आपकी सही बात है, यूथ का तो देखो बहुत ही बढ़िया रोल होता है किसी भी काम में। यूथ ना आपने तो देखा होगा कितना बड़ा रास्ता है, कितना जंगल का रास्ता, तो उन्होंने काट काट के बनाया हुआ सारा पहाड़ी काट काट के। ये मंदिर भी पहाड़ी के ऊपर ही था, छोटा सा मंदिर हुआ करता था, तो यूथ के सहयोग से रात को 12, 1, 1, 2 बजे तक उन्होंने काम किया, तभी जाकर 12-13 साल में इतनी डेवलपमेंट हो पाई है। वो बढ़िया बात है। और सरकारी पैसा यहाँ लगा ही नहीं, ये एक भी सरकारी का सहयोग, एक भी पैसे का सहयोग नहीं करवाया हमने, ना ही उन्होंने गणपति महाराज ने, ना ही यहाँ पे, यानी कि गांव वालों ने मिलकर ही अपनी श्रद्धा से मेहनत से जो मेहनत से यूथ का सहयोग था। बाकी आपके जैसे धनी सज्जन आ जाते थे, उनकी कृपा से फिर धीरे धीरे काम चलता रहा। ना ना, बहुत बढ़िया है, बहुत ही मतलब ये मंदिर देखकर मन खुश हो जाता है बहुत। और आप जो ये नागिनी मंदिर के बारे में बता रहे थे, तो आइए एक बार चलते हैं, देखते हैं वहाँ का। हाँ चलो, दिखाता हूँ आपको। तो आइए, ये नागिनी माता का मंदिर। अच्छा, ये जो कड़ी पत्ते का पेड़ बताया आपको, तो ये नेचुरली है, ये बामी है। अच्छा, इसी में होते हैं दर्शन जो होते हैं, कभी इसी नहीं पेड़ों के ऊपर दर्शन होते हैं। अच्छा, तो जैसा कि रजनीश जी ने बताया कि संगत यहाँ पे आती है और जिनको चर्म रोग होते हैं वो यहाँ पे अगर माता जी से मन्नत मांगते हैं और जब वो ठीक हो जाते तो बाद में यहाँ पे नमक की थैली आकर चढ़ाते हैं, और बहुत से लोगों का यहाँ पे इलाज हुआ है। ये जो मंदिर है, ये गणपति जी का प्राचीन मंदिर यही है, और ये जो मूर्ति है काफी प्राचीन मूर्ति है, जो हमारे बुजुर्गों ने भी यही मूर्ति देखी थी। ये जो साथ में मूर्तियां मिली हुई हैं हमें यहीं मिली थी, और ये जो प्राचीन मंदिर है इसी मंदिर की बदौलत ही इतना बड़ा स्थान बना है। ये गणपति जी का प्राचीन मंदिर जो है यही हुआ करता था पहले। ओके, यही है श्री गणेश जी का प्राचीन मंदिर, और यहीं पे आकर सारे संगते मथा टेकती हैं, और यहीं से इस भव्य मंदिर की शुरुआत हुई थी। डंगे वगैरह लगाने का कार्य भी उन बच्चों ने खुद किया हुआ है, रात रात को ये कार्य करते रहे हैं। अब आपको बताते हैं, जो ऊपर बाबा बालकनाथ जी का स्थान बनाया हुआ है। अच्छा। और बजरंगबली जी का स्थान भी ऊपर हमने बना रखा हुआ है, ये माता गणपति महाराज की कृपा से ये सारे काम जो है धीरे धीरे हो रहे हैं। और बाकी ये जो बाबा जी का धुना है साथ में बना रखा हमने, जहाँ यहाँ पे हवन वगैरह करवाने के लिए लोग आते हैं। अच्छा, अभी तो काफी काम जो है अभी शुरुआत है मंदिर के काम की शुरुआत ही समझो आप। नहीं, जब आपने इतनी मेहनत करके इतना कुछ बना दिया तो डेफिनेटली यूथ का अगर ऐसे सहयोग रहा तो आगे जाकर ये मंदिर है तो इससे भी। हाँ, ये देखो जो है प्राचीन पौड़ियाँ, जैसे ये अभी तो घास वगैरह बरसात की वजह से ये प्राचीन पौड़ियाँ वैसे थी। अच्छा, और ये पूरी गुलाई में मंदिर था, जैसे देखो नहीं ये पिल्लर सामने है, ये भी सामने पिल्लर लगा हुआ है, ये पिल्लर, ये हमने बाबा जी की स्थापना की है, ये किसी के सहयोग से हुआ। अच्छा, बाबा जी की मूर्ति किसी ने दी थी गांव के परिचित बंदे ने, तो उनकी
सहयोग से ये बाबा जी की स्थापना की है। ये जो आप देख रहे हैं बाबा जी के चरण है, ये प्राचीन है, ये पता नहीं कितने गहरे हैं, और ये ही प्राचीन चरण थे यहाँ पे। ये साथ में एक और है, इनके साथ में ही, और ये जो स्थान जो है पूरा गुलाई में है, जैसे परिक्रमा के जैसे प्राचीन हो सकता है परिक्रमा वगैरह करते थे। ये बाबा हमारे बजरंगबली जी की हमने स्थापना करवाई हुई है। जैसे जैसे जो चीज वैसे थी हमने उसको वैसे ही रखा हुआ है, यानी कि आपने प्राचीन धरोहर को बिल्कुल भी मतलब छेड़ा नहीं, छेड़ा नहीं है, जो और है। जो जैसे था आपने वैसे ही रखा हुआ वैसे ही। ओके, बहुत बढ़िया। ये तो एक देखो मंदिर में ऐसी चीजें होना बहुत ही, और इनको जितना आप संभाल के रखोगे उतने बढ़िया है। जैसे ये है कि अब हम नया के साथ बात करना भी क्यों है, जो जो प्रभु की कृपा प्राचीन लगाई थी लोगों ने, तो वो वैसे के वैसे ही रहने देंगे हम। और ये कम से कम 100-200 साल पुराना होगा, ये हो सकता है ये कोई पांडवों के टाइम का ही बना हुआ। ये तो हजारों साल पुरानी बात है। हाँ, ये तो ये जैसे हमारा एक जो पहले जगराता वगैरह होता था उसमें आता था कि एक तलंगनी तेरी गणेश घाटी, दूसरा लंगना कांगड़ा शहर में था। तो गणेश घाटी जो है वो यही स्थान है। अच्छा, जो आपने जागरण वगैरह में सुना होगा कभी कभी भी वो माता की बेटा गाते थे कि पहली लंगनी तेरी गणेश घाटी, दूजा लंगना कांगड़ा शहर माता। तो गणेश घाटी इसी जगह का नाम है, यही अच्छा। है वो गणेश घाटी जो प्राचीन गणेश घाटी है। ये सामने आप पहाड़ी देख रहे हैं, ये इसके नीचे जो वो बस की ट्रेन की टनल है, और सामने आप ट्रेन की लाइन भी देख रहे हैं, और माँ जयंती माता जी का मंदिर सामने पहाड़ी के ऊपर। देखो सामने जयंती माता जी का मंदिर भी दिखाई दे रहा है, और बहुत ही मनमोहक दृश्य है इस मंदिर से। तो रजनीश जी हमें इजाजत दीजिए, हम फिर आएंगे और आपने गणेश मंदिर जी बुलाने वाले हम नहीं होते, बुलाने वाले गणपति महाराज जी हैं, माता रानी हैं, आपको बुला लेंगे, हर संदेह के संदेह को बुला लेगी माता रानी, तो आपको जरूर जरूर आएंगे सर। तो दोस्तों रजनीश जी ने जैसे हमें बताया कि इस मंदिर में आकर आप जो भी मन्नत मांगते हो वो पूरी होती है, और सबसे ज़्यादा मन्नत तो यहाँ पे जो नागनी जी का मंदिर बना हुआ नीचे, वहाँ पे जो भी चर्म रोगी आते हैं उन्होंने यहाँ पर आकर अपनी बीमारी को ठीक किया है। तो आप यहाँ पे आइए और जो भी आप दिल से मन्नत मांगेंगे तो ज़रूर पूरी होगी। तो ये आप देख रहे हैं, ये होशियारपुर धर्मशाला रोड पर बना हुआ है मंदिर। जैसे हम कांगड़ा सिटी में एंटर होना होता है तो उससे पहले एक सुरंग आती है, सुरंग के बाएँ हाथ पर ये मंदिर बना हुआ है, और ये हाईवे के बिल्कुल साथ में है। 200 से 300 मीटर की चढ़ाई के बाद आप यहाँ पर पहुँच सकते हो, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद जो आप आनंद का एहसास करेंगे वो अतुलनीय है।